हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर जोधे देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जगाधरी। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फार्मास्यूटिकल प्रोसेस वैलिडेशन। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट इज वैलिडेशन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलिडेशन? वैलिडेशन इज द एक्शन ऑफ प्रूविंग दैट एनी प्रोसीजर, एनी प्रोसेस, इक्विपमेंट, मेथड, मटेरियल और एक्टिविटीज actually leads to the expected results and produce a quality product. Means validation एक ऐसा action है जो prove करता है कि कोई भी procedure, कोई भी process, कोई भी equipment, कोई भी method, कोई भी activity एक expected results को lead करती है और उससे जो product produce होता है वो that is a quality product. Means validation एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम प्रूव करते हैं कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, किसी भी मेथड को अडॉप्ट करते हैं और ऐसा करने से जो भी प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस होता है, मिलता है, दैट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज व्हाई वैलिडेशन, व्हाई वी नीड वैलिडेशन। देयर इज ए नीड ऑफ वैलिडेशन टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा and it also act as a proof in decision making and also to get assurance of quality product. So these are the needs for validation. Now validation is the scientific study of a process to prove that the process is consistently doing what it is supposed to do and to determine the process variables and acceptable limits for these variables and to set up appropriate in process control. Means validation एक scientific study है किसी भी process की, जो ये prove करती है कि process जो है consistently वो ही काम कर रही है what it is supposed to do and it also determine the process variables. अब process variables क्या होते हैं किसी भी process को? For example manufacturing में अगर आप किसी डिजोल्यूशन का कोई मान लीजिए, अगर डिजोल्यूशन मान लीजिए आप कोई ऑपरेटर्स को हैंडल कर रहे हैं, उसमें वेरिएबल्स क्या है, उसमें स्पीड कितनी होनी चाहिए, टाइमिंग कितना लेना चाहिए, इन वेरिएबल्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उनकी लिमिट्स क्या है और उनके लिए क्या प्रोसेस, क्या अप्रोप्रिएट स्टेप हम कर सकते हैं, दिस इज द वैलिडेशन। नाउ वैलिडेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज required for the assurance of quality, it reduces the cost and it also helps in the government regulations. Next, documentation associated with validation includes, first is standard operating procedure SOPs, specifications, validation master plan, qualification protocols and reports, validation protocols and report. Now we will discuss these documentation वन बाय वन। फर्स्टली इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs क्या होते हैं। अगर हम अपने कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज में जितने भी लैब में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए एक SOPs को हम पेस्ट करके रखते हैं वहाँ पे कि कैसे उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इस इंस्ट्रूमेंट को, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसका स्टेप्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स है, क्या स्पीड है, कितने टाइमिंग के लिए क्या करना है, ये सब एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एसओपी इज एन ऑथराइज्ड रिटन प्रोसीजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस नॉट नेसेसरीली स्पेसिफिक टू ए गिवन प्रोडक्ट और मटेरियल बट ऑफ ए मोरल जनरल नेचर। फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, वैलिडेशन, क्लीनिंग ऑफ प्रीमाइसिस and environmental control, sampling and inspection, etc. Next is validation protocol. Validation protocol क्या होता है? एक पूरा का पूरा documented evidence होता है, उसमें step by step लिखा होता है कि एक particular type of validation, validation के भी कई types होते हैं, चार type की validation होती है, किसी एक particular type की validation को follow करने के लिए क्या क्या step हम follow करते हैं उसे हम बोलते हैं validation protocol. Now validation protocol is a document describing the activities to be performed in a validation
इंक्लूडिंग द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द अप्रूवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ए पार्ट देयर ऑफ द फॉर रूटीन यूज। नाउ वैलिडेशन रिपोर्ट, वैलिडेशन रिपोर्ट होती है कि वैलिडेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करने के करने से हम जो भी वैलिडेशन प्रोसेस करते हैं, जिस टाइप की वैलिडेशन करते हैं, उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या इवैल्यूएशन हमने की है, उन सबको एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम तैयार करते हैं, उसे हम बोलते हैं वैलिडेशन रिपोर्ट। नाउ वैलिडेशन रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच द रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ ए कंप्लीटेड वैलिडेशन प्रोग्राम आर असेंबल्ड एंड समराइज्ड। इट मे ऑल्सो कंटेन प्रपोजल्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड और इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज वैलिडेशन मास्टर प्लान। वैलिडेशन मास्टर प्लान डेफिनेशन। नाउ वैलिडेशन मास्टर प्लान इट इज ए हाई लेवल डॉक्यूमेंट दैट एस्टेब्लिशेस एन अम्ब्रेला वैलिडेशन प्लान फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट एंड समराइजेस द मैन्युफैक्चरर्स ओवरऑल फिलोसफी एंड अप्रोच टू बी यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस एडिक्वेसी। It provides information on the manufacturer's validation work program and also defines detail of and time scales for the validation work to be performed. Validation master plan क्या होता है? एक high level का document होता है जो एक पूरे validation plan को एक umbrella की तरह cover करता है। क्या project हमने करना है उसको summarized form में इसमें लिखा होता है, manufacturers की क्या philosophy है, किस टाइप के प्रोडक्ट बनाना चाहता है, कौन से मेथड को फॉलो करना चाहता है। इट शुड रिफ्लेक्ट द की एलिमेंट्स ऑफ द वैलिडेशन प्रोग्राम, कौन से टाइप का वैलिडेशन प्रोग्राम फॉलो करना है ये इसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। नाउ अबाउट वैलिडेशन मास्टर प्लान, इट शुड बी कंसाइज एंड क्लियर एंड कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग। फर्स्टली a validation policy, there should be a validation policy in the validation master plan, organizational structure of validation activities, validation activities ko chalane ke liye structure kya kya hai organization ke andar, summary of facilities, system, equipment and process validated and to be validated, documentation format, किस टाइप के documentation है, for example protocol and reports format, planning and scheduling, change control, references to existing documents, validation protocol. Now we will define this. A document describing the activities to be performed in a validation, including the acceptance criteria for the approval of a manufacturing process or a part thereof for routine use. A protocol, a validation protocol must include the objectives of the study, the site of the study, the responsible personnel, कौन कौन से worker, कौन कौन से employees में काम करते हैं, description of the SOPs, equipment to be used, their standards and their criteria, the type of validation, the process and or parameters, sampling, testing and monitoring requirements, predetermined acceptance criteria for the drawing conclusions. Next, advantages of validation. There are mainly three advantages of validation. It assures the quality, assurance of quality. It provides assurance of quality. It also helpful in the optimization of the process and it reduces the quality cost. How it reduces the cost means by following the validation program, there is lack of rejections, lack of resampling, lack of test failures. That's why it reduces the quality cost. Next, what is process validation? Till now we have studied what is validation, why we need validation, what is validation protocol, what is validation report, what is validation master plan. Now process validation, what is the requirement of it? Also requirement of cGMP for the finished pharmaceuticals, requirement of GMP for the medical devices. It also apply to the manufacturing of both drug product and the
मेडिकल डिवाइसेस। नाउ वी विल डिफाइन द प्रोसेस वैलिडेशन एज पर USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट डेफिनेशन इज, प्रोसेस वैलिडेशन इज एस्टैब्लिशिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस व्हिच प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट ए स्पेसिफिक प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट मीटिंग इट्स प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन शॉर्ट वी कैन से प्रोसेस वैलिडेशन इज डिफाइंड एज द कलेक्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ डाटा फ्रॉम द प्रोसेस डिजाइन स्टेज थ्रू कमर्शियल प्रोडक्शन which establishes scientific evidence that a process is capable of consistently delivering quality product. Process validation की ये definition है, लेकिन मैं आपको एक simple language में process validation के बारे में बताना चाहता हूँ। Process validation का एक simple सा example है। For example, हम अपनी manufacturing plant में एक daily routine process करते हैं, कोई भी, मान लीजिए एक tablet है XYZ, कोई भी हमने tablet बनानी start करी है, उसके लिए हम कौन सा रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे जो अपना BPR है, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड है, उसको फॉलो करते हैं, कितनी स्पीड पे कोई शिफ्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग के बाद उसमें ब्लेंडिंग मिक्सिंग, कितने टाइम के लिए ब्लेंडर को चलाना है, कितना टेम्परेचर रखना है, उसके बाद उसमें कितनी वॉल्यूम ऑफ बाइंडिंग एजेंट को ऐड करना है, फिर कितने टाइम तक ड्राई करना है, कितने टेम्परेचर पे ड्राई करना है, जैसे टेम्परेचर, स्पीड, दीज आर द प्रोसेस वेरिएबल्स, एंड इन प्रोसेस वैलिडेशन वी ऑप्टिमाइज दीज प्रोसेस वैलिडेशन, दैट्स व्हाई वी से वी ऑप्टिमाइज द प्रोसेस। तो प्रोसेस वैलिडेशन में हम क्या करते हैं, हर स्टेप, हर क्वांटिटी, मान लीजिए किसी भी मटेरियल की कोई क्वांटिटी को हम ऐड करना है, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस को फॉलो करना है, कोई इक्विपमेंट हैंडल करना है, उसमें कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, ब्लेंडिंग करनी है तो उसको कितने टाइम तक ब्लेंड करना है, कौन सा ब्लेंडर यूज करना है, कितने RPM को उसको रोटेट कराना है, इन सब को एक हम इन सब वेरिएबल्स को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। मीन्स अगर प्रोसेस वैलिडेटेड है, हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हम प्रिपेयर करके रखते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं BPR में, तो एवरी टाइम जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। कोई भी पर्सन, कोई हमारा पर्सन, मान लीजिए हमारे एम्प्लॉयज चेंज होते हैं तब हम वैलिडेशन कर सकते हैं, या कोई नया एम्प्लॉय आता है और हमारी प्रोसेस वैलिडेटेड है, उसको हमें केवल स्टेप बताने हैं और प्रोडक्ट जैसा पुराने एम्प्लॉयज देते थे वैसा ही नया मिलेगा। तो दैट इज द प्रोसेस वैलिडेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन एंड रीवैलिडेशन। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑफ दिस टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, इट इज द एस्टैब्लिशिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रायर टू प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन दैट ए सिस्टम डज व्हाट इट प्रपोज्ड टू डू बेस्ड ऑन ए प्री प्लान्ड प्रोटोकॉल। मीन्स प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन तब हम यूज करते हैं जब हमें कोई नई प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना होता है, और ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है जो प्रूव करता है दैट ए प्रोसेस या ए सिस्टम इज डूइंग व्हाट इट प्रपोज टू डू ऑन ए प्री प्लान प्रोटोकॉल। पुराने प्री प्लान प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम वैलिडेशन जो करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, और ये कोई नई प्रोसेस के लिए करते हैं। नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंटल प्लान कॉल्ड द वैलिडेशन प्रोटोकॉल इज एग्जीक्यूटेड। जो वैलिडेशन प्रोटोकॉल होता है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं बिफोर द प्रोसेस इज पुट इनटू द कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज से पहले ही ये सारे स्टेप हम फॉलो करते हैं। इट इज नॉर्मली अंडरटेकन फॉर ए न्यू ड्रग प्रोडक्ट और न्यू फैसिलिटीज आर इंट्रोड्यूस इनटू ए रूटीन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, to prove that the process will work in accordance with a validation protocol. Now, everything should be planned and documented fully in an authorized protocol. It must contain, first is objective, scope and responsibilities, process flow chart, a description of the process, a description of the experiment, detail of the equipment, facilities to be used, the variables to be monitored, the samples to be taken, the product performance characteristics,
acceptable limits, times, schedules, details of the method for recording and evaluating the results, and summary and the conclusion. This is the documented, this is the protocol. Now, retrospective validation. It is an establishing documented evidence that a process does what it is supposed to do based on a review and analysis of the historic data. मतलब हम किसी, ये एक ऐसा या documented evidence है जो prove करता है कि process वही कर रही है जो what is it is supposed to do, but it is based on the historical data. Every analysis is done on the historical data or validation protocols are prepared on the historical data. Many times the routine use processes are not validated, and validation of these processes on historical data to provide the necessary documentary evidence that the process is doing what it is supposed to do. What are the steps for retrospective validation? First is protocol preparation, validation report preparation, data analysis, conclusion and recommendations. Next is concurrent validation. Concurrent validation means it is establishing documented evidence that a process is doing what does what it is supposed to do, but it is based on data generated during actual implementation of the process. As the name suggests, concurrent matlab ongoing validation, ongoing process validation. Concurrent means the ongoing process validation. Now, validation during routine production, and it involves in-process monitoring and product testing. Personnel are authorized staff, documentation as per the prospective validations. Now, revalidation. Last type is revalidation. Revalidation provides the evidence that the changes in a process and or the process environment introduced either intentionally or unintentionally do not adversely affect the process characteristics and product quality. Revalidation एक documented evidence है जो ये prove करता है कि किसी भी process में अगर कोई change करते हैं या कोई environmental change होता है तो हमारी जो product है उसकी quality में कोई फर्क नहीं आता. There are two basic categories of revalidation. First is revalidation in case of known change. कि हमें पहले से पता है कि हम ये change करने वाले हैं, उसके लिए revalidation हम करते हैं. Including the, for example, यदि एक process को हम एक company से दूसरी company में transfer करते हैं, एक process कोई भी tablet, एक particular tablet हम एक plant में बनाते हैं, लेकिन same procedure को follow करके हम second किसी other plant में बनाते हैं, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, उसकी रिवैलिडेशन करनी पड़ती है. नाउ पीरियोडिक रिवैलिडेशन कैरिड आउट एट ए शेड्यूल्ड इंटरवल या फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे किसी भी प्रोसेस की वैलिडेशन करना इज नोन एज रिवैलिडेशन. नाउ चेंजेस दैट आर लाइकली टू रिक्वायर रिवैलिडेशन आर एज फॉलो. कौन कौन से चेंजेस है जिनके कारण हमें रिवैलिडेशन करनी पड़ती है. फर्स्ट इज चेंजेस ऑफ रॉ मटीरियल. अगर हम रॉ मटेरियल एक वेंडर से दूसरे वेंडर से स्टार्ट कर देते हैं एक से बंद करके, तो क्या होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, विस्कोसिटी, पार्टिकल साइज कैसा है, इसलिए हमें रिवैलिडेशन करनी पड़ती है. चेंज ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, चेंजेस इन द पैकेजिंग मटेरियल, चेंजेस इन द प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग टाइम, ड्राइंग टेम्परेचर, चेंजेस इन द इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट हम कर रहे हैं, पहले सेमी ऑटोमेटिक था या अभी ऑटोमेटिक डिटेक्शन है. चेंजेस ऑफ द इक्विपमेंट, प्रोडक्शन एरिया एंड सपोर्ट सिस्टम चेंजेस, एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस टू अनदर साइट. दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट या विच मेक्स इट्स नेसेसरी टू रिवैलिडेट एनी प्रोसेस. थैंक यू.